सो गाइस, कोरोना वायरस का जो कहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के जो मन में है वो कोरोना वायरस का जो खौफ है वो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि मैं आपको थोड़ा सा जो पब्लिक कर्फ्यू लगा है उसके बारे में बता सकूँ। तो पब्लिक कर्फ्यू बेसिकली है क्या? तो पब्लिक कर्फ्यू ये होता है कि आप जो है वो लोगों का बंच बना करके 4-5 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते, और जो ज़्यादा क्राउडेड वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ नहीं जा सकते आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि पब्लिक कर्फ्यू का पालन करें और ज़्यादा क्राउडेड वाले एरियाज़ में जाना बंद करें, और मैं तो कहूँगा कि आप घर से ही ना निकलें, क्योंकि ये जो 8 दिन है ना, ये कोरोना वायरस के बहुत ख़तरनाक वाले दिन हैं बेसिकली इंडिया में। तो क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है, तो सरकार जो है वो बहुत जागरूक है इसके प्रति, और लोग भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मैं भी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। तो ये 8 या 10 दिन जो सुने जा रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट डेज हैं हमारे लिए। तो अगर हमने इसमें अपने सावधानी बरत ली तो हम बहुत ही आसानी से जो है वो कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। जो पब्लिक कर्फ्यू लगाए ना, तो उसका पालन ज़रूर करें, अच्छे से करें। तो मैं अभी आज ही सुबह जो है वो दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में था पिछले 4-5 दिन से। तो वहाँ का जो माहौल है ना, तो वहाँ लोग काफ़ी जागरूक हैं बेसिकली। वहाँ की सरकार काफ़ी जागरूक कर रही है और लोग भी वहाँ के जागरूक हो गए। वैसे तो पूरे इंडिया के लोग इस समय जागरूक हैं तो कोरोना वायरस को लेकर के। तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग जो दिल्ली तो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्राउडेड वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन वहाँ की जो मेट्रोज़ है ना, वहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स बनाई हैं, वीडियोस, जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मेट्रोज़ जो कब एक मेट्रोज़ ऐसी थी जहाँ पर मैं डेली 2-3 दिन में ट्रैवल करता था, उसमें कभी मुझे सीट नहीं मिलती थी, लेकिन इस टाइम पे वो पूरी मेट्रो खाली चल रही है। और वो मेट्रो क्या, दिल्ली में जितनी भी मेट्रो है ना, वो सारी खाली चल रही हैं। तो लोग काफी वहां के नियमों का पालन कर रहे हैं और घर से कम ही निकल रहे हैं, और जितने भी वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं वो सारे समय बंद हैं, और वहाँ के सरकार ने वहाँ पर ऑर्डर दे दिए हैं कि अभी बंद रखें कुछ दिनों। और जो कॉरपोरेट वाले ऑफिस हैं उनकी उन कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को जो है वो वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। आनंद विहार के बस स्टैंड पर भी हर जगह जहाँ जहाँ क्राउडेड एरिया है, जहाँ पब्लिक ज़्यादा जमा होती है, वहाँ पर उन्होंने अच्छे से अनाउंसमेंट करा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हो अभी हमारे जो देश में है ना, वो 147 प्लस जो केसेस सामने आए हैं कोरोना वायरस के। तो अभी हम उन चीज़ों को ना करें जो और देशों ने किया है, जैसे कि इटली। सो चाइना के बाद ईरान और इटली एक ऐसे देश हैं जहाँ पर कोरोना वायरस ने ज़्यादा तबाही मचाई है, जहाँ पर कोरोना वायरस ने लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव किया है, और जहाँ कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। तो धीरे धीरे जो है वो इटली इस चीज़ों को बता रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने की हैं वो आप ना करें। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इन दिनों थोड़ा सेफ़ रखें अपने आप को, और बार बार हाथ धोएं, अपने बच्चों को सेफ़ रखें, और घर से निकलने की कम कोशिश करें, ज़्यादा ही कुछ अर्जेंट काम है तब निकलें। बाकी स्टे हेल्थी और सी यू सून विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक, जब तक ये कोरोना वायरस थोड़ा ठंडा नहीं पड़ जाता, जब तक मेरे वीडियोस जो हैं वो कम ही आएंगे। तो मिलते हैं इस केस के, कोरोना वायरस जब हल्का हो जाता है तो एक नए ब्लॉग में। और मैंने कुछ ब्लॉग्स शूट करके रखे हैं, लेकिन वो मैं अभी इसीलिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं वो इस समय डरे हुए हैं, तो उनको ब्लॉग्स तो वैसे ही पसंद नहीं आएंगे अभी। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो होप कि आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों के साथ बढ़ाएंगे, और इस इन्फॉर्मेशन को लोगों के संग शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं हूँ अपने होम टाउन, और मेरा जो होम टाउन है वहाँ पर जो लोग हैं ना, मेरे होम टाउन के जो लोग हैं ना, तो वो थोड़ा गांव से रिलेट करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, तो कुछ लोग इससे अफवाह बता रहे हैं, कह रहे हैं अफवाह, और कुछ लोग इसके प्रति बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, बेसिकली हर जगह दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं तो कुछ अपना अलग ही ज्ञान देते हैं। तो आपको उन बातों को इग्नोर करना है और आपको अपनी सेफ्टी बरतनी है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर जो है वो ब्लॉग्स जो विलेज से रिलेटेड होते हैं उन ब्लॉग्स और अपनी लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग को डालता रहता हूँ। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर ये वाली पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, गुड बाय।